हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे और लहसुन आंवले की चटनी। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मूली के पराठे की रेसिपी। मैं किस तरीके से मूली के पराठे बनाती हूँ आज मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मूली ले ली, अच्छे से धोकर इन्हें छील लिया है। उसके बाद मैं मूली को कद्दूकस में अच्छे से घिस लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सारी मूली अपनी अच्छे से घिस ली हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा लच्छा तैयार है। तो इसमें मैं नमक लगाकर, मैं 2 से 2.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 2 से 2.5 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। अब हम मूली को एक साइड रख देंगे और तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके सिंपल पानी से इसे इसका एक डो तैयार कर लूँगी। सॉफ्ट डो, ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा मुलायम। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। देखिए, आटे को आप जितना अच्छे से गूंथ लेंगे तो वो उसका सॉफ्ट डो उतना ही अच्छा बनेगा और पराठे हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो आटे को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमारा आटा तैयार है। तो अब हमारी मूली भी तैयार है। इसको हम अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद इसको हाथों से खिला खिला करके इसमें हम अपने मसाले मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नमक हमारा ऑलरेडी इसमें डल चुका है। इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कीजिएगा, जिस तरीके के आपको पसंद हैं। तो मैं डाल दूँगी इसमें फिर एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर। देखिए, बीच से हरी मिर्च को जब भी पराठे बनाए इस तरीके से काट लीजिए और उसके बाद उसे काटिएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी मिर्च पराठों से बाहर नहीं निकलेगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा हींग। थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर हरा धनिया है आपके पास तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और अगर धनिया पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। ये डाल दी मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम अपना आटे की लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी 2 लोई बना लेनी है क्योंकि मूली के पराठे में हमेशा 2 लोई के ही बनाती हूँ। उसमें भरावन अच्छे से भर भी जाता है और बाहर भी नहीं निकलता है। अब देखिए, पूरी के साइज़ की हमें 2 रोटियाँ बेल लेनी है। अब ये देखिए, ये पूरी के साइज़ की हमारी 2 रोटियां तैयार हैं। तो अब इसमें हम अपना भरावन भर लेंगे। देखिए, 2 पेड़ों में भरने का ये फ़ायदा होता है कि आप चाहें जितना भरावन उसमें भर सकते हैं। मुझे ज़्यादा भरावन वाले पराठे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं 2 रोटी के ही बनाती हूँ। इस तरीके से मिलाते हुए किनारों को अच्छे से बंद कर देना है और उसके बाद पतला और चौड़ा करके पराठा बेल देना है। जब आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो पराठे बहुत ही बढ़िया पतले और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल पतला और एकदम ढाबा स्टाइल में चौड़ा पराठा तैयार है। तो अब हम इसे सेक लेंगे। अब इसको अच्छे से गोल्डन होने के बाद एक तरफ से हम दूसरी तरफ पलट देंगे। और अब इसको घी लगाकर हम अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, मैंने घी लगा दिया है। अब पराठे को अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लूँगी। देखिए, अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद हैं तो
तो आप क्रिस्पी भी कर सकते हैं, और अगर आपको मुलायम पराठा पसंद है तो आप थोड़ा सा जल्दी उतार लीजिए। मुझे क्रिस्पी पसंद है तो मैं दोनों तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेक कर पराठा तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए आज का मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, गर्मा गर्म मूली के पराठे और चटपटी लहसुन और आंवले की चटनी। तो आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। आज का ब्रेकफास्ट मेरा तैयार है। थैंक यू सो मच।